बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फार्मर, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो बना रहे हैं बकरी के थनों के हवाले से। अक्सर और बेशतर एक मसला आ जाता है कि बकरी के जो थनों पे वो चीचड़ पड़ जाते हैं, जैसे आप सामने देख सकते हैं। अच्छा, ये निकालना इंतहाई मुश्किल है और काफ़ी लोग परेशान हो रहे होते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि बकरी के थन ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो आज इसके लिए इसका हल बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। कोशिश किया करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि वीडियो बनाने का मकसद पूरा होता रहे। अब जैसे सामने आप देख सकते हैं, इस बकरी के जो थनों के ऊपर जो है ये चीचड़ हो रहा है। अब ये लोग क्या करते हैं, वो हाथ से हटाएंगे तो उसमें एकदम से जो है खून निकलना शुरू हो जाता है और बकरी भी बेचैन हो रही होती है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन, आपको परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास आयोडीन हो जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, अगर आपके पास पायोडीन हो तो आप पायोडीन सबसे पहले लगा के था इसको थोड़ा मॉइस्चर करें, उसको गीला कर लें। अगर नहीं है तो आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पानी और तकरीबन एक पाव सवा पाव जो आपको घी लेना है। पानी से आपको क्या करना है, इसके जो थन है उनको आपको थोड़ा गीला करना है ताकि थोड़े नरम हो जाए और किसी किस्म की कोई जानवर को जो तकलीफ अजियत ना हो। अच्छा, ये जो चीचड़ होते हैं ये पड़ते हैं गंदगी की वजह से, मतलब बकरी का वहीं पर ही पेशाब कर रही है या फिर जो है वहीं पर ही गंदगी में बैठी, जिसकी वजह से चीचड़ पड़ जाते हैं। चलो हाथ से हटाएंगे तो ये फ़ौरन से जो है मतलब ज़ख्म बन के उतरना शुरू हो, खून आना शुरू हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले गीला कर लें। तकरीबन आपको लेना है आधा पाव के हम घी ले लें, बहुत है आपके लिए, और तकरीबन इतना घी ले लें जैसे आप सामने देख सकते हैं, ये बहुत है इतना। बस अब आपको क्या करना है, इसको लेके अच्छे तरह हाथ में मल के और मलम की तरह जो है इसको बाम की तरह इसके थनों पे लगा देना है, जैसे आप सामने देख सकते हैं। मतलब इस तरह से आपको जो है घी लगाना है इसके थनों के ऊपर, इससे रहेगा इंशाल्लाह ताला ये बकरी के जो आपके थनों में जो भी इसके जो चीचड़ हैं में चुपके हुए जो हैं ये सब खुद ब खुद ही झड़ना शुरू हो जाएंगे। और बेहतर ही अगर आप चाहते हैं थोड़ा जल्दी असर हो जाए तो इसको ये लगाने के बाद जो बकरी का जो हम चड्डा अस्तर जो पहना देते हैं वो आप पहना दें। और तकरीबन फिर 6 घंटे के बाद आपको क्या करना है कि इनको जो है आराम से किसी तौलिया की मदद से, नरम तौलिया की मदद से जो है आपने जो है इनको साफ़ कर लेना। जब आप इसको सब साफ़ करेंगे ना, ये फ़ौरन से जो है इसके जो थन हैं वो जो उसके जो चीचड़ चुपके हैं वो आराम से और जल्द से जल्द जो है झड़ना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन आपको 2 से 3 दफ़ा ही करना पड़ेगा, इंशाल्लाह ताला जो है इसके करने से जो है आपकी बकरी का जो ये सारे इसके जो चीचड़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तकरीबन 1 पाव घी बहुत है इसके लिए, आप लेके रख लें और अपनी बकरी को तकरीबन ऐसा लगाते रहें, दिन में 2 से 3 दफ़ा ही लगाएंगे। फिर गीले कपड़े इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ये थन बिल्कुल इसके साफ़ हो जाएंगे। कोशिश करें कि बच्चों को करीब ना लाएँ, क्योंकि इस टाइम पर जो है आपकी बकरी का जो बच्चों का जो थन है ना, मतलब बकरी जो है वह अज़ियत के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से जो है इसको मसला आ रहा होता है। तो 2 से 3 दफ़ा आप अपनी बकरी को इस तरह से लगाएं, घी लगाएं, फिर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें तौलिया से, फिर 6 घंटे के बाद इसको घी लगाएं, फिर इसको अच्छी तरह गीला करके फिर साफ़ कर लें। इंशाल्लाह ताला इसके करने से जो आपकी बकरी का 2 से 3 दिन के अंदर ही सारे इसके चीचड़ ख़त्म हो जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं आपको बड़े से बड़े महंगे से महंगे इंजेक्शन लगाने की, तकरीबन ये आपका काम 100 से 150 से 150 रुपये के अंदर आपका आराम से ये काम हो जाएगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आप हाथ से हटाएंगे ना तो ये जो है मतलब एकदम से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बेहतरीन है घील आपने लगा दिया, फिर इसको जो है अच्छी तरह साफ़ करा, ये आराम से उतर जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी किस्म की मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो बनाने का मकसद पूरा होता रहे। बहुत शुक्रिया।